हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलिमास किचन। गर्मी का सीज़न है और इस टाइम आम भी मार्केट में बहुत आ रहे हैं, तो क्यों ना आम से एक अच्छी सी मिठाई बनाई जाए। मैंने यहाँ मैंगो बर्फी बनाई है जो सबको बहुत पसंद आती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ दो आम को छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हमने बिना रेशे वाले आम लिए हैं। अब सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इनको डालेंगे। साथ ही 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसकी अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। आम की प्यूरी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम 2 कप नारियल का बुरादा लेंगे और इसको हल्के से भून लेंगे। यहां हमने एक पैन गरम कर लिया है। अब इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। हमारा नारियल का बुरादा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसी पैन में हम आम की प्यूरी डालेंगे। एक कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे। हमें आम की प्यूरी का कलर चेंज होने तक पकाना है। हमारी आम की प्यूरी का कलर चेंज हो गया है। अब ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको मिलाकर अच्छे से पकाएंगे। गैस की आंच को धीमा ही रखना है। मिश्रण हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और अब ये जमने लगा है। गैस बंद करेंगे। यहाँ हमने एक डिश को चिकना करके रखा हुआ है। अब हम इसमें ये आम का पेस्ट डालेंगे। और इसमें इस मिश्रण को अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ हमने मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पर थोड़े कटे हुए काजू और बादाम डालेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी मेवे डाल सकते हैं। और इस मिश्रण को 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट करेंगे। 1 घंटा हो गया है और हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे।
बर्फी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप इसको अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी आई है। अब आप इनका मजा लें।